रूपी और बदमाश से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर, यही है वो लफंगा, गिरफ्तार कर लीजिए। आप किसे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं? ये मेरे पति हैं। पति? हाँ अंकल, हम दोनों ने सिविल मैरिज की है। एक्सीडेंट में मैं अपनी याददाश्त खो बैठी, इसीलिए मैं अपनी शादी के बारे में किसी को पता नहीं सकी और ये सब गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब अचानक तुम्हारी याददाश्त वापस आई कैसे? वो क्या हुआ भैया? भैया? हाँ नरेश भैया, कल मैं भाग रही थी, भागते भागते गिर पड़ी और गिरते ही मेरी याददाश्त वापस आ गई और मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर आपने प्रोटेक्शन के लिए अपील क्यों की? अपील? जी दिखाइए। ये उस राधा की अपील थी जो मदहोश थी और अब इसे उस राधा ने फाड़ा है जो होश में है। I'm really very sorry, इंस्पेक्टर। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मैं चलता हूँ। अंकल, मेरी वजह से जो आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, प्लीज। ससुर जी, अब तो आपको इत्मीनान हो गया होगा कि मैं ही राधा का पति हूँ। कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। और साले साहब, अगर गुस्से में एक हाथ कस के पड़ गया हो या जिस्म का कोई हिस्सा टूट गया हो या हिल गया हो तो माफ कर दीजिएगा। चले राधा। अच्छा नरेश भैया, मैं चलती हूँ, बाय।